होती है, तो पिछले या दो राउंड्स में 16 मई को और पहली जून से जो हमने कीमतों में कमी की उसमें डीजल की कीमत में टोटल 35 रुपये कमी की गई और पेट्रोल की कीमत में 20 रुपये की कमी की गई जो पिछले पहली जून से 15 जून तक जो बैन अमी मंडी में गैस की और डीजल की जो कीमतों में जो तब्दीली हुई है उसमें करीबन थोड़ा सा इजाफा हुआ है और उसमें उसके नतीजे में जो है वो ये फ़ैसला किया गया है कि कीमतों को बरकरार रखा जाए क्योंकि आज के प्रेस में कई अखबारों ने रिपोर्ट किया और वो हैरानगी है कि कैसे उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली कि करीबन साढ़े तीन रुपये की का इजाफा था डीज़ल में और थोड़ी सी मामूली चंद पैसों की कमी थी पेट्रोल में लेकिन जो ओगरा ने फाइनल अपनी डिटर्मिनेशन आज के चेंजेस को डाल के यानी बिजनेस क्लोज ऑफ बिजनेस के दी तो उससे डीज़ल और पेट्रोल दोनों की कीमतों को बरकरार रखा जा रहा है और उसमें जो आज के मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि इजाफा डीजल में होने जा रहा है साढ़े तीन रुपए का वो इजाफा नहीं है तो जो कीमतें इस वक्त यकम जून से मुल्क में नाफज हैं डीज़ल की भी और पेट्रोल की भी उनमें कोई रदोबदल नहीं और वही कीमतें अब 30 जून रात 12 बजे तक नाफजुल अमल रहेंगी और कोई इजाफा या कमी नहीं हो रही बहुत शुक्रिया आपका